छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही की ग्राम पंचायत सेमरा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप ही केंद्र की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत शौचालयों की राशि न मिलने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की अति महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत में शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिसमें 4500 का स्ट्रक्चर ग्राम पंचायत को बना कर देना था। उसके बाद शौचालयों में दीवारें, दरवाजा एवं छत टीन लगाकर बनाना था। अधिकतर हितग्राहियों ने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने शौचालयों का निर्माण करवाया, परंतु ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव की लापरवाही से उन्हें शौचालयों की राशि 7300 जो मिलने थे आज तक नहीं मिले। 3 से 4 वर्ष होने को आए इस राशि की आस में लोग जब भी सरपंच एवं सचिव से बात करते हैं तो उनके द्वारा उन्हें आश्वासन ही दिया जाता है, जैसे ही राशि आएगी हितग्राहियों को दे दी जाएगी। इस संबंध में जब कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोरेला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 55 शौचालयों बेसलाइन सर्वे के बने हुए हैं। शौचालय निर्माण की पूरी राशि विगत 2 वर्षों से जनपद पंचायत में आ चुकी है। प्रत्येक बैठक में सचिव से प्रोग्रेस रिपोर्ट लाने को कहा जाता है, परंतु अभी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा नहीं की गई है, जिसके कारण हितग्राहियों को शौचालय की राशि नहीं दी गई। ग्रामीण दीप्ति कुशवाहा ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास में नाम आया, परंतु अभी तक आवास शुरू नहीं हुआ। पुराना घर भी बरसात में गिर गया है। सरपंच सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन है, जल्दी ही हो जाएगी। महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष शाहीन बेगम ने कहा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। ग्राम पंचायत के लोगों को जो असुविधा हो रही है, चाहे वे प्रधानमंत्री आवास के संबंध में हो या शौचालय की राशि ना मिलने के संबंध में हो, इसके लिए सरपंच एवं सचिव पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इन मुद्दों को लेकर हम SDM कार्यालय भी जाएंगे, उनसे भी शिकायत की जाएगी। जब इस बारे में जनपद पंचायत गोरेला के CEO OP शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सेमरा में बेसलाइन सर्वे के अनुसार 50 हितग्राही हैं, जिन्हें 6 लाख का भुगतान किया जा रहा था। हितग्राहियों को 3,71,000 रुपए जनपद पंचायत गोरेला से जारी किया गया है, बाकी बची हुई राशि भी जारी की जाएगी। परंतु प्रत्येक बैठक में सचिव से प्रोग्रेस रिपोर्ट लाने को कहा जाता है, लेकिन आज तक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा नहीं हुई। इसके लिए पूर्णतः पंचायत सचिव एवं सरपंच जिम्मेदार है, जिसको लेकर कार्यवाही की जाएगी। गोरेला पेंड्रा मरवाही से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। मैडम, क्या नाम है आपका? दीप्ति कुशवाहा। आपका आवास में नाम आया हुआ था, कब आया था आपका नाम? हो गया साल भर करीब हो गया। तो आपका मकान बना क्या? मकान तो नहीं बना, नाम आ गया था मेरा, फोटो तो खींच के ले गए, जमीन का फोटो खींच के ले गए कि मतलब ये तो ऑनलाइन है, जल्दी से आ जाएगा बोल के। उसके बाद अभी तक तो ताके अभी तक आ ही नहीं रहा है। क्या बोलते हैं आपके सरपंच? सरपंच यही बोलते हैं कि अब आएगा आएगा, सभी का आएगा, बनेगा, बनना तो सबका है, लेकिन अभी जरूरत है, अभी तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब तक बनेगा, क्या होगा। अच्छा, आपके सामने जो घर था वो भी भसक गया है पूरा? हाँ, पूरा गिर चुका है। उसका मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला हम लोगों को, कुछ का लाभ नहीं मिला। कितने दिन पहले गिरा था ये मकान? हो गया साल भर करीब, ये भी हो गया गिर। साल भर हो गया है, हो गया। अभी तक पंचायत की तरफ से कोई मुआवजा राशि नहीं मिली? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? निशा सोनी। आप कहाँ रहती हैं? सेमरा में, सेमरा पंचायत में। आपके पीछे जो शौचालय है उसको निर्माण में कितना पैसा लगा था, आपने कितना पैसा लगाया है? हम 7,000 लगा है अपने से। अच्छा, तो ये राशि आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। क्या बोलती हैं सरपंच? वो कहाँ पूरा फोटो खिंचवा के ले गया, कुछ नहीं दे रहा है, तो देने के नाम में नहीं ले रहा है। कब बात हुई थी आपकी? बहुत पहले। अच्छा, कितने दिन पहले बना था ये? अभी पिछले उसमें बना है ना, एक साल हो गया है। हाँ। एक साल से आपको राशि नहीं मिली है ना, 7,500 रुपए नहीं मिली है। अच्छा, क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? निशा सोनी। क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? शहाना बेगम। आप कांग्रेस नेत्री हैं जी, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। आपके पंचायत में, सेमरा पंचायत में जी, शौचालयों की राशि अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिली है। जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास प्रस्तावित थे उनका भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, नहीं हुआ। क्या कैसे कदम रहेंगे आपके? सर, इसकी कदम ये है कि आप लोग अपन लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवा सके, उनका काम करवाने के लिए अपन सक्षम रहेंगे और उनका काम करवाएंगे। आप जैसा भी वो होगा इस टाइप का अपन काम करवाएंगे उनसे, और उनका काम किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए, होना चाहिए। नहीं तो लोगों को अभी तक शौचालय की राशि नहीं मिली है, नहीं मिली। आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? इसकी जिम्मेदार सरपंच सचिव हैं। अच्छा।
पंचायत के सर्वे सर्वा तो वही हैं, सरपंच है और सचिव हैं। तो आपके क्या कदम होंगे उनको राहत दिलाने के लिए? अपन उनसे बात करते हैं सरपंच से, अगर सरपंच से अपन संतुष्ट नहीं होते हैं तो SDM तक का जाएंगे, जनपद में जाके CO से भी बात करेंगे इसके लिए। सर, ग्राम पंचायत सेमरा में जितने भी शौचालय बने हुए हैं, हितग्राही परेशान हैं, उनकी जो 7,300 रुपए की जो राशि है वह अभी तक नहीं मिली सर, क्या कारण है इसका? इसमें सारबहरा में कुल वहाँ पे 50 लोग हैं बेसलाइन सर्वे में जी, जिनको 6,00,000 रुपया मिलना था और इनके द्वारा UCCC अभी तक के नहीं दिया गया है, इनको 3,71,000 के लगभग इनको यहाँ से जारी किया गया है और इनको बोला भी गया है कि भाई पूर्व जितना राशि मिला है और जितने के इन्होंने बना लिया है उसको उपयोगिता पूर्णता प्रमाण पत्र जमा कर दें, इनको बाकी का राशि मिल जाएगा। सर, ये पैसा जो है कितने दिनों से यहाँ पे जमा है? ये लगभग यहाँ 2 साल हो गया होगा यहाँ पैसा है, लेकिन हितग्राहियों को अभी तक नहीं मिल रहा है सर, क्या कारण है इसका, वही तो जानना चाह रहे हैं। इनको अपन पुनः यहाँ से इनको और फिर से जारी कर रहे हैं, पहले भी इनको सब कुछ सूचित किया जा चुका है, राशि यहाँ उपलब्ध है, उपयोगिता फोटोग्राफ ये दे करके राशि प्राप्त कर लें। सर, पूरी की पूरी जिम्मेदारी केवल हितग्राही की होती है या सरपंच और सचिव की भी बनती है? नहीं, इसमें सरपंच और सचिव की ही ज्यादा जिम्मेदारी है, हितग्राही को ये सब मालूम नहीं रहता, उपयोगिता पूर्णता ये देना ये तो पंचायत का काम है। तो क्या मान के चलें कि सरपंच और सचिव अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा रहे? नहीं, तो इस हिसाब से अगर कहीं वो नहीं दे रहे हैं माने नहीं निभा रहे जिम्मेदारी को, इनको मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ कि उपयोगिता पूर्णता फोटोग्राफ दे दें और ये राशि संबंधित हितग्राही को मिलना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.